हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब लगाने के समर्थन में अब दलित लड़के भी सामने आ गए हैं और इनका सामना भगवा धारियों से हो गया। बहरहाल बीच बचाव में पुलिस आई, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। कर्नाटक में हिजाब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब अलग अलग शहरों में भी हिजाब के समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले में लड़कियां हिजाब पहनने को लेकर अपनी हक की लड़ाई जहां एक तरफ लड़ रही हैं, वहीं मुमरा शहर में भी मुस्लिम लीग पार्टी की तमाम महिलाओं ने आंदोलन किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक कॉलेज में भगवाधारी हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहाँ पर दलित युवक भी पहुँच गए और दलित युवक हिजाब के समर्थन में यानी कि मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के समर्थन में आए थे। ये दलित युवक जय भीम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी इनका सामना भगवाधारियों से हो जाता है और मामला बिगड़ने लगता है। मगर तभी पुलिस पहुंचती है और दोनों पक्षों को अलग थलग कर देती है, फिर जाकर ये मामला शांत होता है। वहीं इसी तरह से मुमरा में भी तमाम महिलाओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रोटेस्ट किया। मुस्लिम लीग पार्टी की फरहत शेख ने मुस्लिम समुदाय के हिजाब के समर्थन में आकर प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के समर्थन में आए दलित युवकों का सामना कैसे भगवाधारियों से हो जाता है। उसके बाद मुमरा में हुए आंदोलन में फरहत शेख ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज का प्रोटेस्ट करने का जो मेरा यहाँ पर जो मकसद था, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कर्नाटक में जो है एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर कुछ बच्चियों को एग्जाम से शायद एक महीना तो उनको प्रोटेस्ट करके हुआ है, तो उनको जो है स्कूल कॉलेजेस में बिना हिजाब पहन के अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा क्यों, जब हम लोगों को जब ये बात ऐसे ऐसे आँख की तरह जो ये पूरे देश में फैल चुकी है कि एक मुस्लिम उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है कुछ बच्चों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को उनकी प्रैक्टिस ना करने देना, यानी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 में बताया गया है कि कोई भी रिलीजन हो वो अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है। अब हमारे मजहब में ये प्रैक्टिस करना है कि हम हिजाब वेयर करें। हिंदू धर्म में पल्ला लेना अलाउड है, आप सिख लोगों को देखेंगे तो वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, अपने घरों में तलवार रखते थे, तो ये सारी चीज़ें। तो आप जब मजहब को ये अलाउड करते हैं कि आप अपना जो है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कीजिए, तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने वाले।